अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि भाई मुझसे मरैकल का क्रैक नहीं चल रहा। भाई आसान सा तरीका है, देखो ये मरैकल की जो फाइल है आपने डाउनलोड कर ली है, ये मेरी वेबसाइट पे है और मैं इसका लिंक आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। आपने सिर्फ इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जब फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो आपने इसको ना डबल क्लिक करके ये जो सेटअप है इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करते जाना है और इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाए तो आगे उसको ओपन कर लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका इंटरनेट बंद हो या ऑन हो, इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगला प्रोसेस, यस करना है और ये इस नेक्स्ट और ये नेक्स्ट 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 सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जब आपका जो मिरेकल क्रैक है वो इस तरह उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कुछ नहीं जाता। आपने ये इस प्रोडक्ट को ख़त्म कर देना है और वेबसाइट को फिनिश कर देना है और ये देखिए वापस आ जाएं और ये आइकन बना आ गया, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। पहली दफ़ा आपने चलाना है इस तरह कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस कर देना है। ये देखें ये आप खुल गया सब कुछ पूरा। ये जो स्टार्ट बटन है, आपके पास मसला यही आ रहा होगा कि ये स्टार्ट बटन नहीं खोल रहे होंगे और यहाँ आईएमई रिपेयर भी नहीं हो रहा होगा। आईएमई के लिए आपने क्या करना है, आईएमई के लिए आपने कंट्रोल प्लस एम जैसे करेंगे, देखें मैंने किया, ये आईएमई की ऑप्शन है सारी आ गई। अभी ये स्टार्ट बटन जो आपके पास हाइड है, आपने क्या करना है भाई, देखो आसान सा तरीका है, आपने इसको बंद कर देना है और इसकी फाइल लोकेशन में जाना है। यहां आपने खोलना है बॉक्स डाटा को और यहां डाटा को, ये हैंडल है, ये हैंडल आपने डिलीट कर देना है। बस वही हैंडल वाली फाइल थी जो बॉक्स डाटा में रखी थी, वो हमने डिलीट कर दी। इसके अलावा कोई भी हैंडल वाली फाइल यहाँ नहीं है। तो फिर इसको बंद कर दें। अभी इसको फिर दोबारा डबल क्लिक करके रन करते हैं। ये हैंडल वाली भी फाइल आपने डिलीट कर देनी है। ये देखिए ये बॉक्स डाटा में जितनी भी हैंडल वाली फाइलें हैं वो आपने डिलीट कर देनी है। हैंडल जिसमें लिखा हो हैंडल, इसमें कोई हैंडल वाली फाइल नहीं है। और इसको देखिए इसमें भी कोई हैंडल वाली फाइल नहीं है। बूट फाइल में भी कोई हैंडल वाली फाइल नहीं है जिस पे हैंडल लिखा हो। बॉक्स डाटा में जाके आपने वो फाइलें हैंडल वाली सारी डिलीट कर दी। दो फाइलें होती हैं बस जिसके पहले हैंडल लिखा होता है। ये देखिए अब ये स्टार्ट बटन पहले हाइड था, अब हाईलाइट हो गया है। और अगर इमी वाला ऑप्शन भी हाइड है, हाईलाइट करने हैं, कंट्रोल प्लस एम प्रेस किया, अभी देखें ये आपका बिल्कुल सेटअप बिल्कुल तैयार है। आपने सीधे बॉक्स डाटा में जाके हैंडल वाली दो फाइलें डिलीट करनी है, ये आपका स्टार्ट बटन शो हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। ये क्रैक बहुत अच्छा है, ये ऑफिशियल क्रैक है, इसे यूज़ करें आप बहुत सारे सेट इसे अनलॉक और फ्लैश प्रोग्राम कर सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।